समय बरेली में पहुंचे हैं अपने पिता को लेकर के शास्त्री जी, गंगाचरण हॉस्पिटल में तुरंत ही फोन लगा दिया दिल्ली के लिए। अरे शास्त्री जी तरो मत ठाड़े दयो दिल्ली को फोन लगा, और राकेश भैया छोड़ो बालो बागो दिनो हाल बताए, अरे दशा खराब लगत बाबुल की सो हम रहे मरेलिया, और रुपया 25,000 हमने ऐसे काम चलन को ना आए, दोस्तों इधर तो शास्त्री जी ने फोन लगाया दिल्ली के लिए अपने छोटे भैया राकेश को, कहा है भैया पिताजी की हालत ज्यादा खराब है, हमारे पास सिर्फ 25,000 रुपए हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, तुम जल्दी सी बरेली में आ जाओ। दोस्तों जो इतने शब्द राकेश ने सुने हैं, अरे चले राकेश तए दिल्ली से रुपया लाए 50,000, इतना फोन घुमाई दयो कलाली को बोले फिर काली मंगवा, कलान के लिए शास्त्री जी ने फोन लगाया है अपने भैया के लिए और कहा है छोटे भैया से, भैया अरे चोट लगी बबुला के ज्यादा ऐसे काम चलन को नहीं जाए, और रुपया लेके तुम आ जाओ हमको मिलो बरेलिया, सिंह यादव ने जानी संग नितिन को चले लिवा है, याद रखना लोगों रणवीर सिंह यादव नेताजी ग्राम मलेवा के, उनको जब पता चला है कृष्ण पाल की हालत ज्यादा गंभीर है, नितिन के साथ में बरेली चलने के लिए तैयार हो गए। इधर और मुकेश यादव मिल गया वाले संग नितिन के चले निभाई जाए, और पहुंचे जाई के बरेली में अब गाड़ी दई बराबर लगा, दोस्तों रणवीर सिंह यादव ग्राम मलेवा के, मुकेश यादव ग्राम मिल्किया के, विनोद शर्मा रामलीला ग्राउंड कलान के, और ये सभी लोग नितिन को साथ लेकर के जिस समय बरेली गंगाचरण हॉस्पिटल में पहुंचे हैं लोगों, अरे 11:30 रात के डॉक्टर भाई इकट्ठे आए गए, और भर्ती करो तुरंत डॉक्टर ने ऑपरेशन की दई सुना, सा
शास्त्री जी से कहा है, बेटे राजीव आपके पिता का अभी तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, 20,000 रुपए अभी आपको जमा करने पड़ेंगे। इधर तो शास्त्री जी राजीव कुमार ने सभी ऑपरेशन की तैयारी करवाई है, तब तक हुआ क्या? अरे तब तक नेताजी चाय के पहुंच गए, हमको धीरज दयो पंगवार, रुपया 20,000 दहाई दे रात में 12 बजे ऑपरेशन हुआ है गंगा चरण हॉस्पिटल में। धीरे धीरे सुबह होने वाला था, इधर हुआ क्या? अरे भोर भयो जब अस्पताल में पहुंच गए राकेश कुमार, जाई के बोले फिर भैया से रुपया रखो जे 50,000। दोस्तों आकर के राकेश ने 50,000 रुपए दिए और कहा है भैया ये अपने पास रखो। धीरे धीरे पिताजी का इलाज होता रहा गंगा चरण हॉस्पिटल में। सभी रिश्तेदार बरेली के अस्पताल में पहुंचे हैं देखने के लिए। सभी रिश्तेदारों ने पैसों के अंबार लगा दिए शास्त्री जी के पास, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, किसी ने 10,000। सभी रिश्तेदारों ने शास्त्री जी के पास बहुत सारा रुपया जमा कर दिया और कहा इलाज में कमी होनी नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या? अरे 9 दिन बीत गए अस्पताल में, फायदा कछु शास्त्री जी के छोटे भैया राकेश ने जाकर के डॉक्टर से कहा है, डॉक्टर साहब आज 9 दिन बीत गए, 4,00,000 रुपया हमने खत्म कर दिया यहाँ पर, लेकिन अभी तक हमारे पिता को कोई फायदा दिखाई नहीं दे रही है। 9 दिन में हमारे पिता ने एक बार भी पलक उठा करके मुझे नहीं देखा, मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रही है।
जो इतने शब्द सुने हैं, डॉक्टर कहने लगे बेटे 9 दिन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। एक काम करो, अभी समय है, अगर आप कहीं बाहर ले जाना चाहो तो यहाँ से ले जा सकते हो। जो इतने बात सुने दिल दहल गया, उसी समय राकेश कहने लगे भैया अब यहां से पिताजी को दिल्ली लेकर के चलेंगे, तुरंत ही दूसरे हॉस्पिटल से 25,000 रुपए में बड़ी एम्बुलेंस करी है किराए पर। क्या हुआ? अरे 25,000 रुपया दैदी ने एम्बुलेंस लई थी बुलवाई, 3,000 की लई थी दवाई, लई फिर दिल्ली की सीध लगाई। दोस्तों, पिताजी को लेकर के जिस समय दिल्ली पहुंचे, कई अस्पताल देखे पर किसी भी अस्पताल में वेंटिलेटर मशीन खाली नहीं मिली, जिस वेंटिलेटर पर पिताजी को लेटाया जा सके। कई अस्पताल ढूंढे, इधर तो एम्बुलेंस वाला कहने लगा भैया हमारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अरे किस्मत फूट गई हम सब की, अब देती कछु दिखाई ना। अरे गुसैया मेरे परमेश्वर लीला कैसी रहे दिखाई। अरे हॉस्पिटल में भर्ती करो फिर पिता को जाए। याद रखना लोगों, एम्बुलेंस जिस समय आगे को चली है, घंटा घर के दीनदयाल अस्पताल में जाकर के पहुंचे। 22 अप्रैल थी उस दिन साथियों। अरे थी 22 अप्रैल बादना, डॉक्टर पड़ो हाथों माना, भाई 23 अप्रैल सुबह को डॉक्टर पड़ो पहुंच। दोस्तों 23 अप्रैल को जब सुबह को डॉक्टर आया है, उसने आकर के इलाज शुरू किया। इधर 23 अप्रैल को इलाज शुरू हुआ है और इधर 23 अप्रैल को शास्त्री जी दिल्ली से चले हैं छोटे भैया राकेश को वहां छोड़कर। जवाब दिया है शास्त्री जी ने, भैया राकेश तुम यहाँ की व्यवस्था देखो, पिताजी का हॉस्पिटल में ध्यान रखो, मैं जाकर के कलाम में कुछ व्यवस्था करके लाता हूँ, देखता हूँ घर पर क्या माहौल है। शास्त्री जी तो कलाम में आ जाते हैं और इधर 24 अप्रैल जब आई है तो हुआ क्या लोगों? अरे भाई
पिताज पिता को चालू सब ही जांच नहीं करवा। छोटे भैया को वहां करके शास्त्री जी गए कलान। और भाई 24 अप्रैल सुबह को शास्त्री जी दो फोन लगा। चौबीस तारीख को जैसे ही शास्त्री जी कलान में आए हैं, तुरंत ही फोन लगाया राकेश के लिए और कहा भैया, अरे भाई 24 अप्रैल सुबह को शास्त्री जी ने तो फोन लगा, कैसी हालत है बबूला की भैया। याद रखना लोगों, 24 अप्रैल को शास्त्री जी ने पूछा भैया राकेश पिता की तबीयत कैसी है। राकेश ने जवाब दिया, भैया आज पिताजी की तबीयत बिगड़ रही है, क्या करें, देखते हैं मालिक क्या करता है। 24 अप्रैल का दिन कट गया लोगों, 25 अप्रैल जब आई है, 5 बजे का समय था, क्या हुआ, अरे 5 बजे 25 अप्रैल को बबूला सबको चले विशाल। शास्त्री जी को फोन लगायो, रोबन लगे राकेश कुमार। पच्चीस अप्रैल 2014 को राकेश ने फोन लगाया शास्त्री जी के लिए और रोने लगे, जो रोने की आवाज आई, अरे समझ गए शास्त्री जी दिल में बबूला छोड़ी गए मजदार। खबर सुनी सब ही ने घर में रोबत मूड़ दीवालन मारी। और कैसी विपत्ति पड़ी जा घर में रोबे इत राजीव कुमार। दोस्तों 25 अप्रैल 2014 को पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब इनका पीएम नहीं हो सकता,
क्योंकि पीएम होने से पहले हमें एफआईआर की रिपोर्ट चाहिए। राकेश ने फोन किया और कहा भैया थाने की रिपोर्ट मांग रहे हैं डॉक्टर, तब तक पीएम नहीं होगा। इधर शास्त्री जी चले हैं कलान से, थाना मिर्जापुर में पहुंचे, जाकर के एफआईआर दर्ज की है। वहां से रिपोर्ट दिल्ली के लिए भिजवाई और जब रिपोर्ट दिल्ली पहुंची है तब जाकर के डॉक्टर ने पीएम किया है। और पोस्टमार्टम करने के बाद लाश राकेश को सौंप दी गई। इधर राकेश चले ही दिल्ली से। अरे लेके लाश चले बबुला की दिल्ली से राकेश कुमार, और करी डीसीएम राजधानी से संग चले सब रिश्तेदार। दिल्ली से चले हैं सभी रिश्तेदार साथ में। अरे रात बीत गई सब रास्ता में, 5 बजे गए कलाने आई। अरे लाश देख के सब रो गए, मानो घर में लगी गई आग। दोस्तों इधर तो सभी रिश्तेदार नातेदार घर परिवार के लोग कलान में इकट्ठे हो गए। अरे सबरे हाई हाई करी रो में, अपनी छोड़ी छोड़ी निर्गा बबुला छोड़ी हमें कहां बच गए रो में इतरा के सकुमा। इधर तो राकेश कुमार कहने लगे भैया पिताजी की लैस बिगड़ रही है, ज्यादा देर ना करो। दोस्तों अरे लैस बिगड़ रही थी बबुला की, पलकी देर फिर लगाई ना, लेके लैस चले बाबुल की घाट ना किसी दी लगाई। दोस्तों अटेना घाट पर पहुंचे हैं सभी लोग और अटेना घाट पर जब चिता को रचाया गया, चिता रचाई दई थी बाबुल की,
इधर तो शास्त्री जी राजीव कुमार ने अपने पिता के शरीर में आग लगा दी, इधर लौट करके जिस समय सभी जवान कलान में आए हैं, कृष्ण पाल की मां भगवती देवी का हाल बेहाल था लोगों। स्यानो पूत मरे मैया को मां के जीवन को देखा, अरे कर कर किया भगवती रोवे दिल में पाके नाई करार। मातु भगवती कही कही रोवे अकेलो हाथों के हमारो मिट गयो आज वकीले को ऐसो बन के आओ दान। इधर तो सभी लोग रोते बिलखते रहे, धीरे धीरे राजीव सभी लोगों को समझाते बुझाते रहे, लेकिन दोस्तों समय बीत गयो धीरे धीरे आगे रहे राजीव बदला होरी करी पिता अपने की मां तो भगवती रही दुखिया। दोस्तों इस तरीके से कृष्ण पाल दसिया की पावन भूमि पर पैदा हुए और जलालाबाद के कोलापुर पर इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ और दिल्ली के घंटाघर के दीनदयाल अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनकी बूढ़ी मां भगवती को ये चिंता लग गई, रात दिन पुत्र के विरह में वो बूढ़ी मैया पागल सी होने लगी, चिंता में अपने शरीर को जलाने लगी। 14 जून 2015 जब आई है दोस्तों, शास्त्री जी राजीव कुमार ने जब देखा है अपनी दादी की हालत को, अरे तेरा जून की रात में देखो हालत बिगड़त लगी निहारी, और रात में गए पास डॉक्टर के दादी को ले राजीव कुमार। और लेके दवाई आई गए घर में शास्त्री जी ने करो विचार, और फोन घुमाई दे सभी को दादी ज्यादा है बीमार। और 14 जून 2015 दादी ने छोड़ी दो संसार,
याद रखना लोगों, 14 जून 2015 को दिन में 2 बजे दादी ने शरीर छोड़ दिया। कुछ रिश्तेदार उन्हें देखने के लिए आए, पहले से ही मौजूद थे कलान में। इधर तो सभी रिश्तेदारों को खबर भेज दी, अरे पहले बाबा पीछे बबुला अब दादी चली गई बिसारी जाए। और बहुत चाहती थी ना दिल को याद करे दादी बकुमा, और दादी मेरी कहां चली नहीं तुमको ढूंढे का हम जाए। और जो हम घर में रात में होते दादी रोटी खाती ना, और पहले हमें खिलाती सबसे ताके पीछे अपना खान। और जो हम घर में तेरसे चैन पड़ती दादी को ना, याद रखना लोगों। इधर तो सभी रिश्तेदारी में खबर भेज दी गई, सभी बहनें, सब रिश्तेदार, इनकी चारों पुत्रियां माया देवी, प्रेम देवी, शिव देवी, उषा और देवर, जितने भी रिश्तेदार थे सभी आ गए दोस्तों। और रिश्तेदार सब जुड़ी आए और सब आई गया परिवार, और दो बार सभी लोग आपस में बात करने लगे, अरे लड़का हतो अकेलो मां को सो पहले ही चल बस हो अगार। और बिटिया चारों खड़ी पास में मैया मैया करे पुकार, अरे पहले या तो महू छोड़ चली गई हमको सबको समझदार। सबसे छोटी पुत्री उषा बिलखने लगी और कहने लगी, मैया और उषा अब का ढूंढे जाए। इत विमान सजबायो शास्त्री ने नई गंगा की सीध लगा, अरे भारी भीड़ लगी द्वारे पैसों लंबी सी लगी कतार, और घाट यके ना को चलती ने भैयन ले चितार चाई दई गंगा बेता से दादी दई तोड़ा। अरे चितार चाई दई गंगा बेता से दादी दई निकारी गए, और अंतम दर्शन करे सबई ने बाद में दी We'll be right back.
हाँ साथियों, ऐसे हटे के पूर्वज मेरे भैया ध्यान के बिसर न जाए, वीर छंद में कथा दर्शाई दई शास्त्र